हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम करने वाले हैं रेका पैरामीटर्स एंड देयर रिलेशनशिप नेफ्लोजेटिक इफेक्ट। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। इस यूनिट की जो PDF में नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा PDF का, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये करते हैं स्टार्ट रेका पैरामीटर्स। रेका पैरामीटर्स क्या होते हैं? ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स जनरेट होती है। ठीक है, जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जनरेट होती है वो फर्दर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म करने के बाद फर्दर स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर लिगेंड फील्ड इफेक्ट के कारण। तो रेका पैरामीटर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए? स्प्लिटिंग के लिए किसी भी कॉन्फिगरेशन को इनटू टू टर्म्स। ठीक है, तो इन्हें हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ड्यू टू पार्सली फिल्ड डी ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स रिपेल ईच अदर। ड्यू टू दिस रिपल्सन दे जनरेट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स एंड दीज एनर्जी लेवल्स डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर डी ऑर्बिटल्स का हम एग्जाम्पल ले तो जो इलेक्ट्रॉन्स है डी ऑर्बिटल में एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, तो इसी रिपल्सन के कारण नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स जनरेट होंगे। और ये एनर्जी लेवल्स किस पर डिपेंड करें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के ऊपर। तो जो एनर्जी है इन एनर्जी लेवल्स की वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन पैरामीटर्स के बेसिस पर। देखिए, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ एटम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, और इन्हें हम रेका पैरामीटर्स बोलते हैं। जो रेका पैरामीटर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ABC। और ये जो तीनों ही हमारे पास रेका पैरामीटर्स है, ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन पैरामीटर्स होते हैं। हर एक जो एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी को अगर हमें मेजर करना है तो वो किसका सम होगी? इन्हीं जो रेका पैरामीटर्स है इन्हीं का ही सम होगी। ठीक है, सम केसेस में A+B हो सकते हैं, सम केसेस में B+C हो सकती है, या फिर तीनों ही एक साथ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टेक आउट करें D2 कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है, फ्री आयन है हमारे पास, D2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से D2 स्प्लिट हो जाएगी 5 एनर्जी लेवल्स के अंदर। 5 एनर्जी लेवल्स क्या बने? ये हमारे पास 5 एनर्जी लेवल्स जनरेट हो गए। यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखें हम 2 स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स की, तो अगर वो सेम है, ठीक है, सेम है, तो एनर्जी डिफरेंस होगा, इन जो एनर्जी डिफरेंस होगा दीज स्टेट का वो मेजर किया जाएगा बी के अंदर ओनली। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास स्टेट्स हैं वो सेम है, तो उनका एनर्जी डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ओनली बी के अंदर। जैसे मान लीजिए जो 3P की एनर्जी लेवल है और 3F का जो एनर्जी लेवल है वो इक्वल है, तो इनका एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? इनका एनर्जी डिफरेंस 15B होगा। ठीक है, 3P और हमारे पास जो 3P और 3F का एनर्जी लेवल क्या है? सेम है, तो इनका डिफरेंस देखेंगे तो वो कितना आ गया? 15B। ओनली किसके इन किसके टर्म में आया है? बी के टर्म में आया है। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट है 2 स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स की, तो उनका हम मेजर करेंगे एनर्जी डिफरेंस बी एंड सी के अंदर। एग्जाम्पल ले लीजिए, क्रोमियम 3 पॉजिटिव D3 कॉन्फिगरेशन आए, तो जो डिफरेंस आएगा 4F एंड 2Z के अंदर वो 4B+3C आएगा। ट्रांजिशन मेटल की बात करें तो उसके अंदर B की वैल्यू 1000 पर सेंटीमीटर के इक्वल होती है, अप्रोक्सीमेटली C की वैल्यू 4B के इक्वल होती है। कॉम्प्लेक्सेस वैल्यू B और C की डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है फ्री मेटल आयन से। ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास जो रेका पैरामीटर्स की वैल्यू मेटल आयन के लिए ज्यादा हो जाती है, कॉम्प्लेक्सेस की कम हो जाती है? डिक्रीज क्यों होती है? जो कॉम्प्लेक्स के लिए जो हमारे पास रेका पैरामीटर की वैल्यू होती है वो कम क्यों हो जाती है? क्योंकि डीलोकलाइजेशन होती है, मेटल इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन हो जाती है। डीलोकलाइजेशन के कारण जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो डिक्रीज हो जाते हैं, रेका पैरामीटर लोअर हो जाता है कॉम्प्लेक्सेस का एज कम्पेयर टू मेटल लाइन। तो बीटा जो है उसको हमने रेका पैरामीटर लिया है मेटल लाइन का, ठीक है, हमने बी से जो डिनोट किया ये रेका पैरामीटर है मेटल लाइन का, और जो बी डैश है ये कॉम्प्लेक्स के लिए रेका पैरामीटर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, जहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हो जाती है रेका पैरामीटर की। नेक्स्ट आता है नेफ्लोजेटिक इफेक्ट। ठीक है, नेफ्लोजेटिक इफेक्ट एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है क्लाउड एक्सपेंशन, कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्लाउड एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, जो डी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्सपेंड हो जाते हैं, देयर क्लाउड
क्लाउड्स के अंदर और वहां पे लेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाते हैं, जिस वजह से रेका पैरामीटर है वो लोअर हो जाता है कॉम्प्लेक्सेस में एज कम्पेयर टू मेटल आयन। इसी रिडक्शन को जो रेका पैरामीटर में रिडक्शन होती है मेटल आयन के लिए ऑफ मेटल आयन फ्रॉम इट्स फ्री आयन, मेटल आयन मतलब कॉम्प्लेक्सेस के लिए फ्री आयन से जो डिक्रीज हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाता है जो रेका पैरामीटर, उसे ही नेफ्लोजेटिक इफेक्ट बोलते हैं, क्लाउड एक्सपेंडिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेटल आयन फ्री पड़ा है, लिगेंड्स है, जब ये मेटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है और क्लाउड एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाती है। जो नेफ्लोजेटिक इफेक्ट होता है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नेफ्लोजेटिक पैरामीटर्स विच इज गिवन बाय बीटा डैश इक्वल्स टू बी कॉम्प्लेक्स के लिए रेका पैरामीटर और बी फ्री आयन के लिए रेका पैरामीटर, ठीक है, बी डैश और बी, और बीटा जो है वो क्या है, नेफ्लोजेटिक इफेक्ट, ठीक है, जो बीटा की वैल्यू होती है वो लेस देन वन होती है और ये डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे इंक्रीज होती है डीलोकलाइजेशन। इन जनरल जो बीटा डैश होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.8p होता है, ठीक है, जो बी डैश होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.8p होता है। अगर बीटा की वैल्यू 1 होगी तो उसका मतलब होगा कि कंपाउंड 100% आयनिक है, बी और बी डैश की वैल्यू इक्वल आ गई, ठीक है। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं नेफ्लोजेटिक इफेक्ट को, मोर क्लाउड एक्सपेंशन ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एंड लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, बीटा जो बी डैश वैल्यू है वो लेस हो जाती है, बीटा एंड बीटा जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, जैसे ही बीटा बी डैश की वैल्यू डिक्रीज होगी लेस होगी वैसे ही बीटा की वैल्यू भी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो क्लाउड एक्सपेंशन है कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के होने के बाद वो क्या कर देती है, लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कर देती है। ऑल्सो वी कैन से दैट लोअर द वैल्यू ऑफ बीटा मोर विल बी द डीलोकलाइजेशन, जैसे ही बीटा की वैल्यू लो होगी इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन है वो ज्यादा होगी डी इलेक्ट्रॉन्स की और वहां पे सिग्निफिकेंट कोवलेंट करैक्टर नजर आया कॉम्प्लेक्स के अंदर। किसी भी मेटल आयन वैल्यू के लिए बीटा की जो वैल्यू डिक्रीज होती है उसके लिए एक सीरीज बनाई गई है, इस सीरीज को हम बोलते हैं नेफ्लोजेटिक सीरीज। इस सीरीज को आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि वाइवा की क्वेश्चन में काफी पुटअप की जाती है। फोर्थ क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग, इफ ऑल द थ्री ट्रांजिशन आर ऑब्जर्व देन द वैल्यू ऑफ बी डैश कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, अगर थ्री ट्रांजिशन ऑब्जर्व होते हैं तो उसके लिए बी डैश की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ठीक है, 15 बी डैश इक्वल्स 2v3 + v2 - 3v1। वेव नंबर अगर हम देखें तो वेव नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, देखिए v1 v2 v3, ठीक है, ये क्या होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर सब्जेक्ट्स के नोट्स भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं MSc फर्स्ट सेमेस्टर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।